क्लास नाइन इज मैटर एंड प्योर हम इस पार्ट में आपको कोलाइड्स स्टार्ट कराएंगे हमने पिछले पार्ट में आपको बताया था सस्पेंशन एंड क्लोइट्स के बारे में सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं अब हम सस्पेंशन के बाद अगले पार्टी पे चलते हैं इसका नाम है क्लोइट्स कोलाइड्स जो होते हैं काइंड ऑफ सोल्यूशन होते हैं इनमें पार्टिकल साइज जो होता है ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा होता है लेकिन सस्प्रेशन से छोटा होता है मिनट से इन दोनों के बीच में होता है ये हेक्टरजीनियस मिक्सचर के ही एग्जाम्पल होते हैं सम एग्जाम्पल ऑफ क्लोएट्स हैं सोप सॉल्यूशन स्टार्च सॉल्यूशन मिल्क इंक ब्लड जेली सोप एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोइट्स समझते हैं पे एंड क्लोय सोल्यूशन एपियर एच होमोजोनियस सोल्यूशन बट इट इज एंड हैक्टरचीनियस एक क्लोड सोल्यूशन जो होता है होमोजीनियस लगता है लेकिन इन रियलिटी वो हैक्टरचीनियस होता है साइज ऑफ पार्टिकल जो होता है क्लोय्स में वो बड़ा होता है एज कम्पेयर टू ट्रू सोल्यूशन वट साइज ऑफ पार्टिकल इज स्मॉलर देन सस्पेंशन इट साइज इज इन बिटवीन द वन एनोमीटर टू हंड्रेड एनोमीटर्स द पार्टिकल ऑफ मोस्ट ऑफ द क्लोइट्स कैन नॉट बी सीन विद माइक्रोस्कोप हम माइक्रोस्कोप से पार्टिकल साइज को नहीं देख सकते एंड पार्टिकल्स ऑफ क्लोइड कैन पास थ्रू अ फिल्टर पेपर फिल्टर पेपर से पास होते हैं सो क्लोइड कैन नॉट बी सेपरेट बाय फिल्टर पेपर एंड क्लोइड्स आर क्वाइट स्टेबल क्लोइड्स जो होते हैं स्टेबल होते हैं ये सस्पेंशन की तरह नहीं होते कि जिनमें एक सेपरेट लाइन बन जाती है एक क्लॉइड बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट क्लोइड जो होते हैं बीम ऑफ लाइट को स्केट कर सकते हैं क्योंकि इनके पार्टिकल इतने बड़े होते हैं कि उसे सेपरेट कर सकें हमें क्लोइट और सॉल्यूशन के बीच में डिफरेंस कैसे कर सकते हैं पहला द सॉल्यूशन विच स्केट अम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट विल बी दलोइट बिकॉज सोल्यूशन जो होता है बीम ऑफ लाइट को स्केटड नहीं कर सकता क्लासिफिकेशन ऑफ क्लोइट्स हम क्लासिफिकेशन ऑफ क्लोइट किस तरीके से करते हैं हमारे जो क्लर्ट्स होते हैं वो सात तरीके के होते हैं सोल सोल एरोसोल एरो अमलसन फ्यूम सोल्ट फ्यूम एंड जेल सोल सोल इस तरह के कोट्स होते हैं जिसमें टनी सॉलिड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स डिस्पर्सड इन लिक्विड मीडियम मतलब सॉलिड पार्टिकल लिक्विड मीडियम में डिस्पर्स होते हैं इसका एग्जाम्पल इंक सोप सॉल्यूशन स्टार्च एंड मोस्ट पेंट जो होते हैं सोल सॉल्यूशन में आते हैं सॉलिड सोल सॉलिड सोल में जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं वो सॉलिड मीडियम में ही डिस्पर्स होते हैं इनका एग्जाम्पल है रूवी या कर्ल्ड जेम्स स्टोन लेकिन एरोसोल एरोसोल जिसमें कि सॉलिड और लिक्विड डिस्पर्स होते हैं गैस में जैसे हेयर स्प्रे फॉग, मिस्ट एंड क्लाउड इमल्शन इमल्शन जो होता है जिसमें क्लोइड इज हाँ एन इमल्शन इज अ क्लोइड इन विच मैन्यू ड्रॉपलेट ऑफ लिक्विड आर डिस्पर्स इन अनदर लिक्विड मीन जैसे लिक्विड में ही लिक्विड जैसे मिल्क बटर एंड फेस क्रीम फ्योम्स फ्योम fume जो होते हैं गैस एंड डिस्पर्ट गैस डिस्पर्स होती है लिक्विड में सेविंग क्रीम बबल्स सोप ई टी सी सोप फोम सोप फोम में गैस जो, तो जो होती है गैस डिस्पर्स होती है सॉलिड मीडियम में जैसे इंसुलेटिंग फ्योम फ्योम रबर स्पोंज एंड ब्रेड जेल्स जेल का एग्जाम्पल होता है अ सेमी सॉलिड क्लोइड इन विच देयर इज कंटिन्यूस नेटवर्क ऑफ सॉलिड पार्टिकल डिस्पर्स इन अ लिक्विड मीटिंग से सॉलिड पार्टिकल जो होते हैं लिक्विड में डिस्पर्स होते हैं इसका एग्जाम्पल है जी जेलीस एंड हेयर जेल नाउ, सेकेंड पॉइंट कंसनट्रेशन कंसेंट्रेशन मीन टू से गाढ़ापन या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रजेंट इन द सोलवेंट या गिवेन अमाउंट ऑफ सोलवेंट मीन टू से कितना कंसंट्रेशन है सॉल्यूट का दिए गए अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में उसे हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं अगर सॉल्यूट की मात्रा कम है तो वो डायरेक्ट सॉल्यूशन होगा और वहीं सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा है तो वो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन हो जाता है द कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन हंड्रेड ग्राम ऑफ मतलब जैसे मास ऑफ सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है हंड्रेड ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में कंसेंट्रेशन निकालने का तरीका होता है मास ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्यूशन टू हंड्रेड एंड मास ऑफ सोल्यूशन होता है मास ऑफ सोलवेंट और मास ऑफ सोल्यूट के बराबर होता है नाउ नेक्स्ट पॉइंट एंड सोल्यूशन सैचुरेटेड सोल्यूशन कौन से होते हैं एंड अनसेटेड सोल्यूशन कौन से होते हैं एक सैचुरेटेड सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसमें हम और ज़्यादा सब्सटेंस को या और ज़्यादा सॉल्यूट को दिए गए टेम्परेचर पर डिजॉल्व नहीं कर सकते जिस तरीके से हम शुगर को तो वाटर मिक्स करते रहें करते रहें तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि उसमें और ज़्यादा शुगर मिक्स नहीं हो सकती तो उस कंडीशन को ही हम सेचुरेटेड कंडीशन कहते हैं और ऐसी कंडीशन जिसमें कि अभी और गुंजाइश है

क्वांटिटी ऑफ सॉलिड ऐड की जा सके इन सिमलर मैनर अगर हम सब्सटेंस का टेम्परेचर लोअर कर दें तो उसकी सॉल्यूड डिजोल्विंग पावर भी कम हो जाती है सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी इट डिपेंड एज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन डिजॉल्व इन हंड्रेड ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर मीट्रो से हंड्रेड ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डिजॉल्व किया जा सकता है उसे उस सब्शन की सॉल्युबिलिटी बोला जाता है जैसे कॉपर सर्पलिबिलिटी ट्वेंटी वन ग्राम होती है ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस पर रूम टेम्परेचर पर पोटेशियम नाइट्रेट की थर्टी टू ग्राम्स पोटेशियम क्लोराइड की थर्टी फोर ग्राम्स सोडियम क्लोराइड की थर्टी सेवन ए टी सी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी देखिए इफेक्ट ऑफ जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो सॉलिबिलिटी इंक्रीज होती है में ना प्रेशर के इंक्रीज होने से भी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है एंड डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी को सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड यूजली इंक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड डिक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड रिमेन अन सॉलिड इन लिक्विड के लिए इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता लेकिन गैस इन गैस में प्रेशर इनक्रीज और डिक्रीज करने से सॉलिबिलिटी में इफेक्ट पड़ता है सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीज विथ इंक्रीज इन प्रेशर एंड डिक्रीज विथ डिक्रीज इन प्रेशर नाउ फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस क्या होते हैं फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल्स चेंजेस सबसे पहले चलते हैं फिजिकल चेंजेस ऐसे चेंजेस जिनके अंदर कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता जब वो दोनों आपस में कंबाइन होते हैं तो इस तरह के चेंजेस को हम फिजिकल चेंजेस कहते हैं फिजिकल चेंजेस के सब कॉमन एग्जाम्पल बॉइलिंग ऑफ वाटर मेल्टिंग ऑफ आइस फ्रीजिंग ऑफ वाटर कंडन ऑफ स्टीम मेकिंग ऑफ सोल्यूशन ई और ग्लोइंग ऑफ बल्ब इन सब कंडीशन में हम देखते हैं कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है इसलिए ये सारे फिजिकल चेंज की कैटेगरी में आते हैं और फिजिकल चेंज को हम टेम्प्रेरी चेंज भी कहते हैं सेकंड टाइप का चेंज होता है केमिकल चेंजेस दो चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म ऐसे चेंजेस जिसमें कि नए सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं ऐसे चेंज को हम केमिकल चेंजेस कहते हैं केमिकल चेंज का कुछ एग्जांपल बर्निंग ऑफ पेपर रस्टलिंग ऑफ आयरन रैपिंग ऑफ फ्रूट फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क एंड कुकिंग ऑफ फ्रूट है हम अपने घर में भी बहुत से ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं जैसे कि हम अगर एक बार रोटी बनाएं और रोटी को बेल करके उसे तवे पे बेकिंग कर लें तो हम दोबारा उस आटे जैसी रोटी नहीं बना सकते हैं। तो ये भी एक केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है नाव हम कुछ डिफरेंस देखते हैं केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के अंदर फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म इन अ फिजिकल चेंज एंड इन अ केमिकल चेंज न्यू सब्सटेंस इज गोइंग टू बी फॉर्म फिजिकल चेंज इज अ टेम्परे चेंज एंड केमिकल चेंज इज परमानेंट चेंज फिजिकल चेंजेस आर इजली रिवर्सिबल वट केमिकल चेंज आर यूजली नॉट रिवर्सिबल दे आर इ वेरी लिटिल यर एनर्जी इज यूजली अब्जॉर्ब और गिविंग आउट इन फिजिकल चेंज बहुत ही कम मात्रा में एनर्जी ली जाती है दी जाती है बोल केमिकल चेंज में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूज और गिविंग आउट एंड मास ऑफ सब्सेंट डज नॉट अल्टर इन फिजिकल चेंज फिजिकल चेंजेस में मास ऑफ द सब्सटेंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं आता एंड मास ऑफ सब्सेंट डज अल्टर इन द केमिकल चेंजेस केमिकल चेंजेस में मास ऑफ द सब्सटेंट अल्टर कर सकता है वेरी कर सकता है नाउ टू नेक्स्ट टॉपिक सेपरेशन ऑफ मिक्सचर हम मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड यूज़ करते हैं द मेथड टू बी यूज फॉर सेपरेटिंग द अ मिक्सचर डिपेंड अपॉन द कंस्टेंट पार्टिकल मिक्स जैसे वो किस तरह के पार्टिकल हैं जो आपस में मिक्स हुए हैं इसके बेसिस पे हम देखेंगे कि किस पार्टिकल को को हम सेपरेट आउट करना है और किस मैटर से करना है कुछ फिजिकल प्रोसेस जिनका हम यूज कर सकते हैं क्रिस्टल पार्टिकल सेपरेट करने के लिए वो हैं सब्लिमेशन मैग्नेट सॉल्वेंट फिल्ट्रेशन सेंट्रिफिकेशन इवाप्रेशन क्रिस्टलाइजेशन क्रोमेटोग्राफी डिस्टिलेशन ट्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड सेपरेटिंग फनल हम वन बाई वन करके इन सारी प्रॉपर्टीज को समझते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हम तीन केसेस लेंगे मिक्सचर अलग अलग तरीके मिक्सचर लेंगे पहला मिक्सचर दो सॉलिड्स का होगा दूसरा मिक्सचर सॉलिड और लिक्विड का होगा एग्जाम्पल होंगे और लास्ट मिक्सचर जो हमारे होंगे दो लिक्विड के होंगे और हम इन्हें एक एक करके समझते हुए चलते हैं सबसे पहले सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड दो सॉलिड के मिक्सचर को हम कैसे सेपरेट करेंगे उसमें पहला मेथड होता है बाई यूजिंग सूटेबल सॉल्वेंट हम सूटेबल सॉल्वेंट का यूज करके कर सकते हैं जैसे कि शुगर शुगर जो है सेंड में मिली हुई है तो हम क्या करेंगे तो शुगर को सेंड में मिले होने पर हम एक सुटेबल सॉल्वेंट डेट इज वाटर का यूज करेंगे और वाटर से उस सॉल्यूशन को मिक्स करा देंगे जब उसे मिक्स कराएंगे तो जो शुगर है उसमें मिक्सअप हो जाएगी और जो सेंड है पानी में नीचे बैठ जाएगी इस तरीके से हम शुगर और सेंड को सेपरेट आउट कर सकते हैं ये मेथड होता है बाई सुटेबल सॉल्वेंट इसी तरीके से हम सल्फर एंड सेंट का मिक्सचर भी सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि हम सल्फर और सॉल्वेंट के लिए जो सुइटेबल सॉल्वेंट लेते हैं वो लेते हैं कार्बन डाई सल्फाइट कार्बन डाई सल्फाइट में सल्फर जो सॉल्युबल होता है सेंट सॉल्युबल नहीं होता और इस तरीके से हम उन्हें भी सेपरेट कर लेते हैं तो ये हमारा एग्जाम्पल है सेपरेशन बाई यूजिंग सॉल्वेंट सुबल सॉल्वेंट सॉल्वेंट मतलब जिसमें कि वो डिजॉल्व हो जाए नाउ बाई द प्रोसेस सब्लिमेशन सब्लिमेशन की प्रोसेस की मदद से हम सॉलिड से डायरेक्टली पेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जिस प्रोसेस में और यहाँ पे पेपर से डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं एंड सॉलिड सब्सटेंस जो कि सब्लिमेशन की प्रोसेस के अंदर टेक प्लेस करता है इसकी होती सब्लिमेशन उसे उसे सब्लिमेन कहते हैं एंड प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन यूज टू सेपरेट दो डेट डायरेक्टली कन्वर्ट इन सॉलिड टू पेपर फॉर्म ऑन हीटिंग डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म से पेपर फॉर्म में या पेपर फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं उन्हीं के लिए सबली का यूज किया जाता है मोस्ट ऑफ द सॉलिड डू नॉट गो अंडर सब्ली ज़्यादा सब्सटेंट होते हैं सब्ली में नहीं जाते लेकिन फिर भी कुछ सब्सेंट जैसे कि अमोनियम क्लोराइड आयोडीन कपूर ये जो होते हैं सबली की प्रोसेस में पार्ट कर लेते हैं एंड थर्ड इज बाई मैग्नेटिक सेपरेशन हम मैग्नेटिक सेपरेज का यूज करके दो सब्सटेंसेस को यूज सेपरेट कर सकते हैं जैसे एक हमें सल्फर का पाउडर लिया और आयरन लिया दोनों को मिक्सअप कर दिया अब हम उन्हें सेपरेट कैसे करेंगे हमें सब पता है जो मैग्नेट होती है वो आयरन को अट्रैक्ट कर लेती है और हम मैग्नेट उसके पास लेकर के जाएंगे और उसके पास मैग्नेट ले जा करके उसके ऊपर पास घुमाएंगे जब हम उसके अराउंड में घुमाएंगे उसको तो जो आयरन होगा वो तो मैग्नेट चिपक जाएगा और जो सल्फर होगा वो टच नहीं होगा इस तरीके से सल्फर और आयरन सेपरेट हो जाएंगे इसी तरीके से हम जब कचड़ा कचड़े कचड़े जो कचड़े में बहुत सारा आयरन होता है तो उसमें भी हम ये करते हैं इलेक्ट्रो का यूज़ करते हैं उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करके एक आयरन के पीस को मैग्नेट बना देते हैं और उससे हम जो लोहे वाले पार्टिकल होते हैं उन सबको अट्रैक्ट कर लेते हैं इसी तरीके से जब हमारी आंखों में कचरा चला जाता है लोहे का तो हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का यूज करके अपनी आंखों से कचरा निकाल लेते हैं नाउ नाव मोटो सेकेंड ऑफ मिक्सचर ऑफ ए सॉलिड एंड अ लिक्विड इसके लिए हम छह प्रॉपर्टी पढ़ेंगे पहले फिल्ट्रेशन सेकेंड बाई सेंट्रिफिकेशन थर्ड बाई इवाब्रेशन फोर्थ बाई क्रिस्टलाइजेशन फाइव बाई क्रोमेटोग्राफी एंड सिक्स बाई डिस्टलेशन हम सबसे पहले समझते हैं फिल्टर पेपर क्या होता है सबसे पहले फिल्ट्रेशन समझने के लिए हम समझते हैं फिल्टर पेपर होता है क्या है तो, तो क्या होता है तो, फिल्टर पेपर एक राउंड स्पाइकल पेपर होता है जैसे मिनियस ऑफ टनी पोर्स होते हैं जो डस्ट पार्टिकल को अपने अंदर अट्रैक्ट कर लेता है जैसे हम अपने और इसकी मदद से जो वाटर होता है वो तो निकल जाता है लेकिन उसमें जो गंदगी होती है वो उस फिल्टर पेपर में रुक जाती है फिल्टर पेपर को हम फोल्ड करते हैं पहले हाफ फिर उसका हाफ और फिर वन थर्ड उसको ओपन कर लेते हैं और फिर उसको कॉनिकल फ्लैक्स में लगा देते हैं इस तरीके से सेपरेशन में फिल्ट्रेशन में क्या करते हैं ये प्रोसेस यूज की जाती है इन इनसोल्यूबल सब्सटेंस को लिक्विड से सेपरेट करने के लिए जैसे कि चौक पाउडर एंड वाटर को सेपरेट करने के लिए फिल्ट्रेशन का यूज़ किया सकता है हम एक चौक पाउडर को लेते हैं और फिल्टर पेपर को लगा करके कॉनिकल फ्लैक्स में उसमें थोड़ा थोड़ा करके उसमें हम वाटर को गिराना शुरू करते हैं तो चौक के पार्टिकल्स होते हैं वो फिल्टर पेपर में रुक जाते हैं और जो क्लीन वाटर होता है वो फिल्टर पेपर से होते हुए हमारे बिकर में आ जाता है इस मेथड का यूज हम अपने घर में ही बहुत करते हैं जैसे कि हम टी चाय बनाते हैं तो चाय बनाते समय चाय में चाय पत्ती होती है वो वायर मेस में रह जाती है तो चाय वो होती है छलनी छलनी में रह जाती है और जो क्लियर टी होती है वो हमारी कफ में आ जाती है जिसे हम पीते हैं इसी तरीके से हम आटा भी साफ़ करते हैं तो उसमें भी हम डस्टली फिल्ट्रेशन का ही प्रयोग करते हैं एंड हम हमारे घर में जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई होती है उसमें भी फिल्ट्रेशन का ही यूज़ होता है हम आपको बताएंगे कि ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई हमारे कद तक कैसे होती है सबसे पहले हमारा जो वाटर होता है एक रिवर के सोर्स से कनेक्ट होता है जो कि एक पाइप के द्वारा हमारे पंपिंग स्टेशन तक आता है पंपिंग स्टेशन के बाद वो जो वाटर होता है एक सेडिमेंटेशन टैंक में जाता है जहाँ पे उसका सेडिमेंटेशन होता है और सेडिमेंटेशन होने के बाद वो वाटर दूसरे लोडिंग टैंक में जाता है जिसमें एलम एडिड होती है फिटकरी जिससे कि कुछ बैक्टीरियास होते हैं वो मर जाते हैं फिर उसके बाद जाता है वाटर फिल्ट्रेशन टैंक में फिल्ट्रेशन टैंक में फाइन सेंड कोर्स सेंड एंड ग्रेवल प्रेंट होती है और उसमें से जो वाटर होता है वो जाता है सेकेंड टैंक में जिसे बोलते हैं क्लोरीनेशन टैंक क्लोरीनेशन टैंक में क्लोरीन होती है जो बच्चे कुछ बैक्टीरियाज होते हैं उन्हें क्लिक करने के लिए एंड फिर उसके बाद वो जाता है पंपिंग स्टेशन पे पंपिंग स्टेशन से दूसरे पम्पिंग स्टेशन जाता है और उसमें फिर जो वाटर स्टोरेज टैंक होते हैं जो टंकी होती हैं वहाँ तक पहुँचता है और वहाँ से हमारे घर के नलों तक पहुँचता है इस तरीके से हमारे हमारे घर तक पानी पहुँचता है नाउ वी मूव टू सेकेंड प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम लिक्विड्स दैट इज सेंट्रिफिकेशन सेंट्रीफिकेशन इज अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग द सस्पेंडेड पार्टिकल ऑफ सबस्टेंट फॉर्म अ लिक्विड इन विच मिक्सचर इज रोटेड एट अ वेरी हाई स्पीड इन अ अंट्रेफ्यू सेंट्रिफ्यू दो मेथड होता है जिसकी मदद से हम दो लिक्विड को वेरी हाई स्पीड पर रोटेट करा करके सेपरेट करते हैं एंड इस मेथड को हम क्ले क्ले पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर को सेपरेट करने के लिए कर सकते हैं एंड many ऑफ द methods such as हम अपना जो सेंट्रीफ्यूगन की मशीन होती है उसको ब्लड टेस्ट को अलग अलग करने के लिए भी हम कर सकते हैं और दूध में से क्रीम निकालने के लिए सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम द मिल्क के लिए भी इस मेथड का यूज किया सकता है प्रोस, हाँ प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन इज यूज इन डेरीज टू सेपरेट द क्रीम फ्रॉम द मिल्क जब हम हाई स्पीड में उसे रोटी कराते हैं तो हाई स्पीड रोटेट कराने पर क्रीम अलग हो जाती है और जो मिल्क का अलग बाकी का पार्ट होता है वो भी वो अलग हो जाता है और हम उसे सेपरेट कर लेते हैं क्रीम सेपरेट फ्रॉम द मिल्क वाई सेंट्रिफिकेशन प्रोसेस एंड थर्ड प्रोसेस होती है सेपरेशन वाई एवापरेशन एवाऑपरेशन की मेथड से सेपरेशन एवाऑपरेशन इज यू टू सेपरेट सॉलिड सब्सेंस आर डिजॉल्व इन वाटर और एनी अदर लिक्विड ए सब्सटेंस जो कि लिक्विड वाटर में या किसी औसौ जल्द होते हैं हम इप्रेशन के मेथड से उन्हें सेपरेट कर लेते हैं सेपरेशन का जो रहता है द यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ इेशन फॉर सेपरेटिंग मिक्सचर इज बेस्ड ऑन द फैक्ट द लिक्विड वेपराइज इजीली एंड सॉलिड डू नॉट वेपराइज इजीली मतलब तो जैसा हमें पता है सॉलिड वेपराइज नहीं हो पाता लेकिन लिक्विड जो होता है वेपराइज हो जाता है इस तरीके से हम दोनों को सेपरेट कर लेते हैं जैसे कि हम कॉमन सॉल्ट को वाटर से इसी तरीके से सेपरा आउट करते हैं कॉमन तो सॉल्ट होता है तो वो डिजॉल्व वो इवोपरेट नहीं होता और वाटर इवोपरेट हो जाता है इस तरीके से हम सॉल्ट को सेपराउट कर लेते हैं द प्रोसेस ऑफ इपरेशन इज यूज ऑन लार्ज स्केल टू ऑपटेन कॉमन सॉल्ट ऑफ सी वाटर सी वाटर से लार्ज अमाउंट में कॉमन सॉल्ट लेने के लिए हम इस प्रोसेस का यूज करते हैं इवाप्रेशन इज यूज फॉर रिकवरिंग डिजॉल्व सॉल्ट इज सब्सटेंस फॉर लिक्विड What in this method. इस method में हम सोल्ट को तो रिजर्व कर लेते हैं लेकिन इस मेथड की मदद से हम लिक्विड को पातेट तो हो जाता है यूज करके मेथड को ब्लू इंक इज यूज इन द फाउंटेन पेन ऑल्सो गेट से हम ब्लू इंक डाई जो होती है उसको भी इवाप्रेशन मेथड से सेपरेट आउट कर सकते हैं हम एक बर्नर लेते हैं और बर्नर में को हीट करते हैं और चैन डिस्क में इंक रखते हैं इंक इंक को हम एक बीकर के ऊपर रखते हैं चैन डिस्क में जिससे कि हीट डायरेक्टली न मिले और चाय डिस्क चटक न जाए और हीट सप्लाई करने पर इंक में से जो वाटर होता है वो इवाप्रेट हो जाता है और जो डाई होती है जो इंक प्रजेंट होती है वो बच जाती है नाउ सेकेंड मैटर ऑफ सेपरेशन इज नी फोर्थ मैटर ऑफ सेपरेशन इज क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टलाइजेशन जो होता है द प्रोसेस ऑफ कूलिंग अ हॉट एंड कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफेंट टू ऑपटेन द क्रिस्टल्स इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टलाइजेशन के मेथड को हम कह सकते हैं कि हम किसी हॉट एंड कंसन हम किसी गर्म सॉल कंसनट्रेट सोल्यूशन को कूल cool करते हैं जिसके हमें क्रिस्टल मिलते हैं और क्रिस्टल मिल करके हम उन्हें बढ़िया सेपरेट कर लेते हैं एंड प्रोसेस किस्टे यूज फॉर ऑप्टेनिंग द प्योर सॉलिड सब्सटेंस फ्रॉम द इम्प्योर सप किस्टाइशन की प्रोसेस से हम प्योर सब्सटेंस को सेपरेट कर लेते हैं इम्प्योर सॉलिड सब्सटेंस इज डिजॉल्व इन द मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर टू फॉर्म सोल्यूशन जो इम्प्योर सॉलिड होते हैं कम से कम मात्रा में पानी के डिजोल्व की जाते हैं एंड सॉल्यूशन इज फिल्टर टू रिमूव इन सोल्यू एम्प्योरटीज और सॉल्यूशन जो होता है इम्प्योर होता है उसमें से इम्प्योरटीज निकालने के लिए उसे फिल्टर करना पड़ता है अलाउद हॉट सेचुरेट सोल्यूशन टू कूल स्लोली जो हॉट एंड सैचुरेटेड सोल्यूशन है उसे धीरे धीरे ठंडा होने दीजिए एंड क्रिस्टल और प्योर सोलिट आ फॉर्म ऐसी कंडीशन में क्रिस्टल और प्योर सॉलिट फॉर्म होते हैं जिन्हें हम फिल्ट्रेशन की मदद सेपरेट आउट कर सकते हैं हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के कापर सलफेट सॉल्यूशन को प्योर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को इम्प्योर सॉलिट कैसे निकालेंगे हम जो है ट्राइपो स्टैंड लेंगे ट्राइपो स्टैंड पर एक बीकर के ऊपर डिस्क डिस्कटेंगे जिसके अंदर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होगा उसे हम बर्नर को जलाकर हीट करेंगे हीट करने पर वाटर उसमें से इवापरेट हो जाएगा बहुत कम मात्रा में वाटर उसमें बचेगा अब धीरे धीरे करके वो कूल डाउन होगा और कूल डाउन होने के बाद क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट बचे जाएँगे और जो कि प्योर होंगे प्योर क्रिस्टल होंगे और उन्हें हम अलग रख लेंगे सेकेंड मेथड सेपरेशन बाई क्रोमेटोग्राफी क्रोमेटोग्राफी यह टेक्निक ऑफ सेपरेटिंग डिजॉल्व सॉलिड विच आर प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। ऐसी क्रोमेटोग्राफी का हम क्रोमेटोग्राफी को हम उन सब्सटेंस के लिए यूज करते हैं जिनका अमाउंट बहुत ही ज़्यादा कम होता है और बहुत ही कम क्वान्टी में डिजॉल्व होते हैं और इसके लिए पेपर फॉर क्रमेटोग्राफी आता है क्रमेटोग्राफिक पेपर दिस सेपरेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट डेट टू और मोर सब्सटेंस आर सॉल्युबल इन द सेम सॉल्वेंट बट देयर सॉल्युबिलिटी इज गोइंग टू बी डिफरेंट मीन टू से इसका प्रिंसिपल सिंपल सा ये रहता है कि दो या दो तो से ज़्यादा सब्सटेंस एक ही सॉल्यूशन में मिक्स तो होते हैं लेकिन उनकी सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस होता है जैसे अब ब्लैक इंक की जब मिक्सचर ऑफ सरेवल कलर्ड सब्सटेंस विच कैन बी सेपरेट बाई क्रोमेटोग्राफी ब्लैक इंक जो होती है बहुत सारे कलर्स का मिक्सचर होती है और वो कि कम कम मात्रा में होते हैं उसे हम बड़ी आसानी से क्रोमेटोग्राफी पेपर क्रोमेटोग्राफी से सेपरेट आउट कर सकते हैं हम एक छोटा सा पॉइंट बनाते हैं और पॉइंट बना करके फिल्ट क्रोमेटोग्राफी पेपर पर पे रखते हैं और फिर हम उस पेपर को वाटर डालते हैं वाटर में डालने के बाद वो जो ब्लैक कलर होता है उसमें से कुछ स्पॉट बाहर निकलते हैं और वो स्पॉट सेपरेट होते हैं और वाटर ऊपर की तरफ चढ़ता है तो इसको देखते हुए कह सकते हैं कि उसके जो ब्लैक कलर था उसमें बहुत सारे कलर पहले से प्रेजेंट थे और वो जैसे ही हमने उसको वाटर में डाला तो वो सेपरेट हो गए क्योंकि उनकी उनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में अलग अलग है एप्लीकेशन ऑफ क्रोमोटोग्राफी जैसे क्रोमेटोग्राफी यू टू सेपरेट सोल्यूशन ऑफ कलर सब्सटेंस कलर सब्सटेंस जो होते हैं डाई एंड पिगमेंट्स उनको अलग करने के काम आती है क्रोमेटोग्राफी जो फोरेंसिक साइंस होती है उसमें आइडेंटिफिकेशन और ट्रेस ऑफ सब्सटेंस लाइक पॉइजन एंड इन द कॉन्टेंट ऑफ ब्लैडर और स्टमक पता करने में काम आता है मतलब पॉइजन हमारे किस बॉडी के स्ट्रक्चर में बॉडी में है कि नहीं है एंड क्रोमेटोग्राफी यू टू सेपरेट स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन में स्मॉल स्मॉल अमाउंट में जो प्रोडक्ट होते हैं उन्हें भी सेपरेट करने के काम आता है सिक्स मेथड सेपरेशन बाई डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन की प्रोसेस में इन ऑर्डर टू रिकवर बोथ सॉल्ट एंड वाटर सॉल्ट एंड वाटर दोनों को रिकवर करने के लिए क्योंकि हम में केवल सॉल्ट को रिकवर कर पा रहे थे वाटर को रिकवर नहीं कर पा रहे थे तो अगर हमें दोनों रिकवर करने हैं तो हम मेथड ऑफ डिस्टिलेशन यूज करते हैं डिस्टिलेशन इज प्रोसेस ऑफ हीटिंग लिक्विड टू फॉर्म पेपर एंड कूलिंग द पेपर टू गेट पैक लिक्विड ई फर्स्ट हम लिक्विड को हीट करेंगे पेपर फॉर्म में लाएंगे और पेपर में ला कर उसे तो कूल कर देंगे लिक्विड ऑप्टेन बाई कंडसिंग द पेपर इज कॉल्ड डिस्टिलेट इस मेथड में हम एक ट्राइपोड स्टैंड पर एक पीकर को रखते हैं उसमें थर्मामीटर रखते हैं और एक वाटर कंडेंशर उसे कनेक्ट होता है हम जब हीट करते हैं तो सॉल्ट सब्सटेंस होता है सॉल्ट जो सॉल्ट प्लस वाटर का मिक्सचर है उसमें से वाटर ऊपर उड़ने लगता है और कूल cool होने के बाद कूल cool होने के लिए हमने उसमें वाटर कंडक्शन लगा रखा है और हीट वेपराइज वाटर जो होता है उस कंडेंशर से होते हुए कूल cool डाउन होता है और प्योर वाटर बीकर में आने लगता है लेकिन जो सॉल्ट होता है वो उसी बीकर में रह जाता है इस तरीके से हम सॉल्ट एंड वाटर को सेपरेट आउट कर लेते हैं सिंपल डिस्टिल इसको सिंपल डिस्टिलेशन जो होता है हम एक सॉलिड और एक लिक्विड को सेपरेट करने में लगाते हैं एंड प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन इज यूज्ड टू ऑप्टेन ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम सी वाटर इन मेनी कंट्रीज बहुत सी कंट्रीज में सी वाटर से ड्रिंकिंग वाटर ऑप्टेन करने के लिए भी इस प्रोसेस का यूज करते हैं प्योर वाटर और डिस्टिल वाटर इज मेड फ्रॉम द टेप बाई यूजिंग इन द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन डिस्टिलेशन की प्रोसेस से हम प्योर वाटर बना सकते हैं नाउ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टू और मोर लिक्विड जब टू और मोर लिक्विड के मिक्सचर होते हैं उन्हें हम सेपरेट कैसे करेंगे उनके लिए दो प्रोसेस होती हैं पहला प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड वाई यूजिंग सेपरेटिंग फनल देखिए दो लिक्विड विच आर मिक्स टुगेदर इन ऑल प्रोपोर्शन एंड फॉर्म सिंगल लेयर आर कॉल्ड मिसिबल लिक्विड मिसिबल लिक्विड ऐसे लिक्विड होते हैं जो कि सिंगल लेयर बना लेते हैं मिक्स होने पर सिंगल लेयर बन जाती है उनकी कोई दो लेयर नहीं बनती अलग अलग लेयर नहीं बनती तो ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं मिसिबल लिक्विड मिसिबल लिक्विड को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की प्रोसेस सेपरेट करते हैं एंड दो सब्सेंस वेज डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर एंड फॉर्म अ सेपरेट लेयर ऐसे जो कि आपस में मिक्स नहीं होते और सेपरेट लेयर बना लेते हैं उन्हें हम बाई द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग फनलिट करते हैं सेपरेशन फ्रैक्शन डिस्टलेशन क्या सप्लिट करते हैं फ्रैक्शन डिस्टलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग टू और मोर मिसिबल लिक्विड बाई डिस्टलेशन दिस्टलेट कलेक्टेड इन द फ्रैक्शनल बॉलिंग एट डिफरेंट टेम्परेचर टू से हम इस फ्रैक्शनल डिस्टलेशन में जिस प्रिंसिपल यूज करते हैं वो होता है डिफरेंस इन द बॉलिंग पॉइंट ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स दो मिसिबल लिक्विड का बॉलिंग पॉइंट में डिफरेंस होना ही इसके लिए प्रिंसिपल होता है जैसा कि हम जानते हैं कि एल्कोहल एंड वाटर को हम इसमें लेते हैं तो एल्कोहल एंड वाटर का जो बॉलिंग पॉइंट होता है वो अलग अलग होता है और अलग अलग होने की वजह से हम इस मेथड का यूज करते हैं जो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हंड्रेड डिग्री सेल्स बॉइलिंग पॉइंट जो होता है हंड्रेड डिग्री सेल्सियस होता है एंड वहीं जो एल्कोल का होता है वो सेवनटी एट डिग्री सेल्सियस होता है तो जो एल्कोहल होता है वो जल्दी इवाप्रेट हो जाता है और जल्दी इवाप्रेट होने की वजह से एल्कोहल को हम फ्रैक्शनल ट्यूब से पास आउट करते हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी ठंडा हो सके और ठंडा होकर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए और हम एल्कोहल को एक जगह पर कलेक्ट कर लें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से हम दो मिसिबल लिक्विड को सेपरेट कर सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सेपरेट द बिगेस्ट लिक्विड अकॉर्डिंग टू देयर बॉलिंग पॉइंट बॉलिंग पॉइंट के बेसिस पर हम अलग अलग सब्सटेंस को अलग अलग कर सकते हैं एंड द मोर वोलेटाइल लिक्विड डिस्टिल ओवर फर्स्ट एंड लेस वोलेटाइल आफ्टर मिटो से जिसका टेम्परेचर कम होता है वो जल्दी ही जल्दी वेपर फॉर्म में आता है और वो जल्दी लिक्विड फॉर्म में हम उसे ले लेते हैं और जो लेस होता है उसे हम उसी में रहने देते हैं एप्लीकेशन ऑफ़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की एप्लीकेशन क्या है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ मिसिबल लिक्विड एंड लाइक एज एल्कोल एंड वाटर एंड एस्टोन एंड वाटर इन द लेबोरेटरी एंड इट

जिस नाइट्रोजन का लोएस्ट बोलिंग पॉइंट जो होता है वो माइनस वन नाइन सिक्स डिग्री सेल्सियस आर्गन का माइनस वन एट डिग्री सेल्सियस एंड ऑक्सीजन का माइनस वन एटी डिग्री सेल्सियस द बिगेस्ट गैसेज ऑफ एयर आर सेपरेटेड फॉर्म बन एन अदर फ्लैक् डिस्टलिशन ऑफ लिक्विड एयर डिफरेंट गैसेज ऑफ एयर है डिफरेंट बोलिंग पॉइंट अलग अलग गैसेज का जो बोलिंग पॉइंट होता है अलग अलग होता है और उन्हें थोड़ा थोड़ा हीट करके सेपरेट कर लेते हैं एयर इज सेपरेटेड इन टू इट्स कंपोनेंट बाई यूजिंग फॉलोइंग स्टेप हम उसके लिए कुछ स्टेप का यूज करते हैं हम पहले एयर को फिल्टर फर्स्ट फिल्टर टू रिमूव द डस्ट डस्ट हटा देते हैं उसमें से एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर रिमूव इफ द वाटर वेफर आर कार्बन डाइऑक्साइड आर नॉट रिमूव दे बिकम सॉलिड एंड कूलिंग प्रोसेस सॉल्ट बन जाएंगे कूलिंग प्रोसेस में इसलिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड को भी सेपरेट करना पड़ता है एंड एयर इज कंप्रेस टू हाई प्रेशर एंड दैन कूल्ड और एयर को हाई प्रेशर पर कंप्रेस करके हमें कूल cool करना पड़ता है एंड देन एयर इज देन अलाउड टू एक्सपेंड क्विकली और फिर हम एयर को एक्सपेंड करते हैं क्विकली और दिस एक्सपेंशन कूल द एयर इविन मोर और ये एक्सपेंशन एयर को और ज़्यादा कूल कर देता है द प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन कूलिंग एंड रैपिड एक्सपेंशन ऑफ एयर इज रिप्लेस अगेन इन अगेन हम इस काम को अगेन अगेन अगे करते रहते हैं द एयर मोर एंड मोर कूल और एयर ठंडी होती जाती है अल्टीमेटली द एयर गेट सो कूल डेट टर्न इंटू लिक्विड और एयर इतनी ठंडी हो जाती है कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है अब द लिक्विड एयर इज फीड इंटू फ्रैक्शनल डिस्टलेशन अब हम उसको फ्रैक्शनल डिस्टलेशन में रखते हैं और फिर धीरे धीरे से बॉम करते हैं और, और अलग अलग मैट उनके बॉलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग उन्हें सेपेट कर लेते हैं जैसे जो नाइट्रन का बॉलिंग पॉइंट होता है वो माइनस के वन नाइन सिक्स टी सेल्सियस होता है हम उसे वार्म करते हैं एंड नाइट्रोजन बॉयल फर्स्ट और नाइट्रोजन सेपरेट हो जाती है उसके बाद आर्गन आर्गन का टेम्परेचर होता है माइनस वन एट डिग्री सेल्सियस वो भी फिर सेपरेट हो जाती है उसके बाद ऑक्सीजन का नंबर आता है ऑक्सीजन सेपरेट हो जाती है इसमें क्या होता है हमने एयर लिया एयर को कंप्रेस किया कूल cool किया और रैपिड एक्सचेंज किया और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई लिक्विड में कन्वर्ट हो गई तो हमने फिर उसे धीरे धीरे बॉम किया फैक्साइल डिस्टिलेशन कॉलम में एंड नाइट्रोजन पहले निकली फिर आर्गन निकली और फिर ऑक्सीजन निकली इस मेथड की मदद से हम सारे सब्सटेंसेस को अलग कर लेते हैं सेपरेशन बाय सेपरेटिंग फनल सेपरेटिंग फनल के मेथड को हम टू इमेसीबल लिक्विड को सेपरेट करने के लिए करते हैं जो आपस में एक लेयर बना लेते हैं द सेपरेशन ऑफ टू मिसिबल लिक्विड वाई द सेपरेटिंग फनल डिपेंड अपॉन द डिफरेंट इन द डेंसिटी मिनट से अलग सब्सटेंस की डेंसिटी के बेसिस पर हम इस बात को करते हैं जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो नीचे आता है और जिसकी डेंसिटी कम होती है ऊपर हो जाता है तो हम फ्रैक्स जो सेपरेटिंग फनल होता है उसमें उस दोनों लिक्विड को पुट आउट रख देते हैं और रख करके जैसे हम केरोसिन एंड सब्सटेंस वाटर दोनों को लेते हैं तो हम जैसा जानते हैं कि वाटर जो होता है हैवी होता है एज़ कम्पेयर टू कैरोसिन तो वाटर नीचे आ जाता है और कैरोसिन ऊपर चली जाती है अब हम कुछ समय के लिए उसे रखते हैं फिर धीरे धीरे जो स्टॉप कॉक है हम उसे ओपन करते हैं और स्टॉप कॉक को ओपन करके जो वाटर होता है वो उसमें कैरोसिन से निकलने लगता है और जो लाइटर लिक्विड लाइटर लिक्विड होता है कैरोसिन वो उसी में रह जाता है इस तरीके से हम कैरोसिन को उसमें से सेपरेट कर लेते हैं इसी मेथड का यूज़ करके सेपरेटिंग फनल का हम ऑयल एंड वाटर सोल्यूशन एंड वाटर इन ऑयल दोनों को हम सेपरेट कर लेते हैं बाई यूजिंग द मेथड ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मेथड और भी कई जगह पे यूज होता है जैसे कि बेंजीन एंड आयदर लाटर वाटर मिंडू से जैसे कि हम मरकरी कार्बन डाइसल्फाइड सल्फाइड एंड क्लोरोफॉम आर हैवियर देन वाटर बट इसलिए जो वाटर्स हैवी होते हैं तो वो नीचे आ जाते हैं और उन्हें हम सेपरेट कर लेते हैं वाटर से ऊपर वाटर सेपरेट हो जाता है बेंजीन एंड अदर आर लाइटर देन वाटर तो बेंजीन जो होती है अगर हम बेंजीन का मिक्सचर हो तो बेंजीन लाइटर होती है तो बेंजीन लाइटर होने की वजह से वाटर नीचे आ जाएगी मेन पॉइंट ये है कि इनमें सेपरेशन का जो मेन कारण होता है वो उनकी डेंसिटी होती है तो हमने इस चैप्टर में क्या जाना हमने इस चैप्टर में जाना कि हम किस सब्सटेंस को प्योर कहेंगे और किस सब्सटेंस को इम्प्योर कहेंगे प्योर सब्सटेंस कहने के लिए क्या कैटियर होता है और कौन सा सब्सटेंस किन कंडीशन में प्योर कहा जाता है हमने जाना कि जो सब्सटेंस होते हैं जो प्योर सब्सटेंस होते हैं या जो मैटर होता है वो दो कैटेगरी में क्लासीफाई होता है एक प्योर सब्सटेंस और एक मिक्सचर और जो प्योर ऑप्शन होता है फिर वो दो पार्ट में और क्लास पेयर होता है एलिमेंट एंड कंपाउंड्स हमने एलिमेंट के बारे में जाना था एलिमेंट केवल एक टाइप के पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं और उन्हें और ज़्यादा सेपरेट नहीं किया जा सकता और कंपाउंड जो होते हैं दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स मिलकर बने होते हैं बट इन अ फेस प्रोपोर्शन बाई मास फिर हमने एलिमेंट्स के बारे में जाना था कि एलिमेंट्स जो होते हैं जैसे एग्जाम्पल कॉपर सिल्वर आयरन इनको फिर और तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है मेटल नॉन मेटल एंड मेट्रोइट्स मेटल मेलेबल डोड कंडक्टर ऑफ हिटन एक्सिटी लस्ट्रस एंड हार्ड एंड हाई टेंसल स्ट्रेंथ एंड सोन्ड्रस सॉयल रूम टेम्परेचर हाई डेंसिटी एंड सिल्वर एंड ग्री कलर की होती हैं हमने नॉन मेटल के बारे में जाना नॉन मेटल्स जो होते हैं नॉन मेटल जो होते हैं नॉन मेलेबल नॉन डक्टाइल ब्रिटिल होते हैं एंड बेड कंडक्टर ऑफ हीटे एलेक्सिटी होते हैं नॉन लस्ट्रस होते हैं और जनरली सॉफ्ट होते हैं एक्सेप्ट एक्सेप्ट डायमंड इलेक्सिक कंडक्ट नहीं कर सकते एक्सेप्ट ग्रेफाइट एंड नॉन कंडक्ट और नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग एंड लो टेक्सटाइल स्ट्रेंथ एंड सॉल्ड तीनों स्टेड में पाए लिक्विड गैस तीनों स्टेट में पाए जाते हैं एंड नॉन मेटल हैव है कंप्रेसिबल कंप्रेसिबल कम होते हैं लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है नॉन मेटल जो होते हैं कुछ कंप्रेसिबल भी होते हैं जैसे कि ईयर्स कंप्रेसिबल रहती हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है एंड नॉन मेटल जो होते हैं डेंसली लो होती है एंड नॉन मेटल नॉन सोल्स होते हैं और नॉन मेटल अलग अलग कलर में पाए जाते हैं फिर हमने देखा था मेटल मेटल की जो प्रॉपर्टी होती है इन दोनों के बीच में होती है मिक्सचर मिक्सचर जो होता है हमने मिक्सचर के बारे में जाना दो या दो एलिमेंट इन एनी प्रपोर्शन में मिक्स होते हैं और नॉन बॉल्टर सब्सटेंस होते हैं तो वो मिक्सचर बनाते हैं मिक्सचर जो होता है ऑल सोल्यूशन जो होते हैं मिक्सचर की कैटेगरी में आते हैं और मिक्सचर भी दो तरह ही होते हैं होमोजिनस हैक्ट्रोजीनियस होमोजिन मिक्सचर ऐसा होता है जिसमें कि सबसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरे सोल्यूशन के अंदर और वहीं हैक्ट्रोजीनियस में नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है और कुछ समय के बाद में उसके बीच में एक लेयर भी बन जाती है जैसे होमोजिनस का एग्जाम्पल है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड हैक्ट्रोजीनस का एग्जाम्पल है चॉक सोल्यूशन इन वाटर हमने फिर जाना कंपाउंड कंपाउंड जो होते हैं दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट का कॉम्बिनेशन होता है जो कि फिक्स प्रपोर्शन बाई मास में कमाए होते हैं इसका नाम हमने देखा था अमोनिया कॉपर सल्फेट कैल्शियम कैल्शियम हाइट्रो ऑक्साइड मिथेन ग्लूकोज एंड मैनी इसके बाद हमने जाना था कॉन्सनट्रेट डिफरेंस इन बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड सॉल्यूशन हम सॉल्यूशन को मिक्सर क्यों कहते हैं एंड हम एलोइ्स को मिक्सचर क्यों कहते हैं हमने देखा था जो है जो मिक्सचर्स होते हैं उन्हें तीन कैटेगरी ऑफ क्लासिफाई किया जाता है सॉल्यूशन सस्पेंशन एंड कोलाइड्स हमने सॉल्यूशन के बारे में जाना था सॉल्यूशन को मुझे मिक्सचर कहते हैं एंड इसी प्रॉपर्टी से भी जानते हैं कि इसके पार्ट ये इसका पार्टिकाइव माइस नाइन से भी छोटा होता है और ये माइक्रोस्कोप भी नहीं देखी जा सकती एंड फिल्टर पेपर से पास आउट हो जाते हैं और सॉल्यूशन वेरी स्टेबल होता है एंड इसमें जो सॉल्यूशन के एग्जाम्पल होते थे वो सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक सॉलिड इन लिक्विड एंड सॉलिड इन सॉलिड लिक्विड इन लिक्विड गैस इन लिक्विड एंड गैस इन गैस सस्पेंशन में भी हमने देखा था उसके पार्टिकल का साइज़ बड़ा होता है एज कंपेयर टू टू सॉल्यूशन और हम इन्हें बड़ी बढ़िया देख सकते हैं फिल्टर पेपर रुक जाते हैं और अनस्टेबल होते हैं और एक क्लियर बना देते हैं और बीमो प्लाइट को स्क्रेटर कर देते हैं कॉलोड्स के बारे में जाना था हमने कॉलोर्ट्स की प्रॉपर्टी इंटरमीडिएट होती है और ये होमोजेंस दिखते हैं लेकिन होते हैं एक्टाजीनस हैं एंड जे माइक्रोस्कोप से देख भी नहीं देखे जा सकते एंड पार्टिकल ऑफ क्लोइ्स कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर और फिल्टर पेपर से पास आउट हो जाते हैं इनके कुछ एक एग्जांपल हैं सोल सोल एरोसोल इमल्शन एरो जेल कंसेंट्रेशन ऑफ़ सोल्यूशन में देखा था कंसेंट्रेशन मतलब कितना मात्रा सोल्यूशन की सोल्यूट की है सॉल्वेंट के अंदर और उसके विशेष पे हम कंसेंट्रेशन एंड कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन एंड डायल्यूट सोल्यूशन कह सकते हैं कंसनट्रेशन में सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा होती है पर एरिया पर और सोल और डायल्यूट में कम होती है और फिर हमने सैचुरेटेड एंड सोल्यूशन जानी थी एंड केमिकल चेंज और फिजिकल चेंजेस के बारे में जाना था केमिकल चेंज जो होते हैं परमानेंट होते हैं और फिजिकल चेंज कंपेयर होते हैं केमिकल चेंजेस इ होते हैं एंड फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होते हैं एंड कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता केमिकल फिजिकल चेंजेस में और नया सब्सटेंस बनता है केमिकल चेंजेस में जो प्रॉपर्टी होती हैं सिमिलर होती हैं फिजिकल चेंजेस में लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं बिल्कुल डिफरेंट होती है केमिकल रिएक्शन में फिर हमने सेपरेशन के लिए पॉजिटिव मेथड समझे थे उनमें से कुछ थे जिनको मिक्सर जिनमें से उनके नाम है सब्लिमेशन मैग्नेटिक सेपरेशन सॉल्वेंट फिल्ट्रेशन सेंट्रीफिकेशन इबरेटाजन क्रोमेटोग्राफिकेशन डिस्ट्रेशन एंड सेपरेटिंग फनल इन सबका यूज करके हमने सब्सटेंस को सेपरेट किया एंड मिक्सचर ऑफ टू फिर हमने देखा था टू सॉल्ट के मिक्सचर को सेपरेट करने के जो मेथड्स होते हैं वो होते हैं यूजिंग सूटेबल सोल्वेंट्स एंड बाई द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन एंड बाई यूजिंग ऑफ मैग्नेटिक सेपरेशन दो लिक्विड एक सॉलिड और एक लिक्विड को सेपरेट करने के लिए जो मेथड्स होते हैं वो हो तो हमने पढ़े थे फिल्ट्रेशन सेंट्रिफिकेशन इवापरेशन क्रिस्टलाइजेशन क्रोमेटोग्राफी एंड डिस्टिलेशन। एंड हमने दो लिक्विड को सेपरेट करने के लिए दो मेथड पढ़े थे वो था तो बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड बाई यूजिंग सेपरेट पार्ट जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है वो मिसिबल लिक्विड को सेपरेट करने में काम आता है एंड जो सेपरेटिंग पनाला मेथड होता है वो हम यूज़ करते हैं इमेसीबल लिक्विड को सेपरेट करने के लिए इसके साथ हमारा ये चैप्टर की ऑडियो बुक हमारी कंप्लीट होती है आप ऐसे क्वेश्चन लगाइए एंड इसको पढ़िए जब आप बुक से एक बार पढ़ेंगे और ऑडियो बुक्स पढ़ेंगे तो आपको इसे और अच्छे समझ आएगा और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप जब हमारी ऑडियो बुक को सुनते हैं तो कंप्लीट तो सुना कीजिए जिससे आपको इस चैप्टर के टॉपिक्स और अच्छे से क्लियर हो पाएँ इसी के साथ सुनने के लिए धन्यवाद